जान बची तो लाखों पाए, 400 पार वाले 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। एग्जिट पोल को झूठा साबित करते हुए एक ऐसा रिजल्ट हमारे सामने आया जिसका अनुमान ना तो आपको था ना कि मुझे था। 400 सीट पार करने वाली बीजेपी सिर्फ 250 सीट के आसपास ही लुढ़कती हुई हमें दिख गई और जैसे तैसे एनडीए को मिलाकर बीजेपी 292 सीट के आसपास पहुंच गई। इंडी गठबंधन उस नालायक बच्चे की तरह है जिसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी, लेकिन वही बंदा लास्ट में 12 में 70% से भी ज्यादा ऊपर मार्क्स लेके आया है। किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इंडी गठबंधन इतना अच्छा सीट लेके आएंगी। कुछ कांग्रेस नेताओं के अंदर 100 सीट आने के बाद बहुत ज्यादा जोश हमें देखने को मिला, लेकिन चाचा जी आपको बताना चाहता हूँ कि आप रहोगे अपोजिट में, जीतनी बीजेपी ही है, सरकार अभी भी बीजेपी की ही आएगी, आपको इतनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर वो सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश से हमें 70 सीट मिलेंगी, वहां सिर्फ वो 35 सीटों में ही लुढ़कते हुए हमें दिख गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि जिस बंगाल में वो 25 से 30 सीटों के सपने देख रहे हैं, वही बंगाल उन्हें 15 सीटों में ही ले डूबेगा। तो आखिर बीजेपी की कुंडली में ऐसा क्या दोष लगा कि वो पिछली बार के रिजल्ट से भी नीचे आ गए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आई होप सब बढ़िया हो गया। और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने लोकसभा के इलेक्शन देखे होंगे और आई होप आपको इस रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी। एंड नहीं मिली है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ मिल जाएगा। एनडीए फिर से पावर में आ चुका है और ये भी कंफर्म हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। बट जो अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया था उसका रिजल्ट उसके आसपास भी नहीं आया। ये अनुमान वैसा ही आया है जैसे आप ये सोचते हो कि कॉलेज की कन्याएं आपके ऊपर मरती हैं, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने दम पर 350 सीट रखने वाली बीजेपी 240 सीट में ही ढेर हो गई और दूसरी तरफ जहां कांग्रेस पार्टी को कोई घास भी नहीं डाल रहा था, वहीं पर वो कांग्रेस पार्टी अच्छे रिजल्ट लेके आई है। शाम होते होते बीजेपी को ये तो पता चल गया था कि यूपी की तरह अगर किसी और स्टेट ने हमारे साथ ऐसा किया होता तो 400 तो छोड़ो, शाम का खाना खाने के बाद इन्हें डकार नहीं आते। बीजेपी की सीट कम होने का सबसे बड़ा रीजन था इनके ही कैंडिडेट। इन लोगों ने वो कैंडिडेट चुने जो लोगों को क्या इनके पार्टी को भी नहीं पता था, मतलब कुछ ऐसे नए चेहरे जो कि किसी को पता ही नहीं था। साथ ही अग्निवीर और पेपर लीक जैसी चीजें युवाओं को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर गई, जिसकी वजह से इनकी सीटों में असर देखने को मिला। बट देखो यार, कहीं ना कहीं भले ही बीजेपी 40 से 50 सीट कम लाई, बट कहीं ना कहीं पावर बीजेपी के हाथ में ही है। आज भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी, जीत एनडीए की ही हुई है, आप इसको मना नहीं कर सकते हो। देखो सच्चाई यही है कि इंडी गठबंधन जितनी सीट लाई है ना, उससे ज्यादा सीट बीजेपी लाई है। बीजेपी जितनी अकेले सीट लेके आई है ना, उतना ये 30 पार्टीज को मिलाकर सीट लेके आई है। और कहीं ना कहीं ये डिफरेंस आपको पता है, बहुत लोग एनडीए के ऊपर सवाल उठाते हैं, अगर सवाल उठाने हैं तो गठबंधन के ऊपर भी उठाओ। 30 पार्टीज को मिलाकर अगर आप ये सोचते हो कि हम इतनी सीट ला गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी अकेले आपसे ज्यादा सीट लेके आई है। स्टिल पीपल आर सेइंग कि अगर नीतीश कुमार पीछे हट जाते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत जाती। भाई हलवा है क्या? अगर कांग्रेस वाले ऐसे नेताओं को खरीदने लग गए तो भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं। तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहो और सावधान रहो, सतर्क रहो, और बीजेपी की पार्टी आई है तो थोड़ा सा एंजॉय करो। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस रिजल्ट से आप कितना ज्यादा सेटिस्फाई हो और कितना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो, ये सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भाई कहीं ना कहीं मुझे अयोध्या के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बाकी आपके राय में क्या है मुझे सब कुछ कमेंट करके जरूर बताना। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अब बीजेपी इससे सबक लेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो और मैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।